हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन आवर सिलेबस, एंड दैट इज द इनेंशियोमेरिज्म, इनेंशियोमेरिज्म, एंड सेकेंड इज द डायास्टीरियोमेरिज्म, डायास्टीरियोमेरिज्म। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनेंशियोमेरिज्म क्या होती है। सो व्हाट इज एनेंशियोमेरिज्म और व्हाट आर द एनेंशियोमर्स। ठीक है, तो ये एक सिंपलेस्ट टाइप है हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय पास्चर इन 1848। कब पता चला उसको, कैसे उसने डिस्कवर किया, वो हम थोड़ी सी एक स्टोरी यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पास्चर 1848 में कुछ एक रिसर्च कर रहा था ऑन द साल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड के सॉल्ट पे वो रिसर्च कर रहा था। तो रिसर्च करते करते उसको उसने क्या देखा कि सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट जो सॉल्ट था टार्ट्रिक एसिड का, उसकी जब उसने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की तो दैट कंपाउंड वाज फाउंड टू बी इनएक्टिव। ठीक है, तो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट विच इज ए वेरी फेमस साल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड, दैट वॉज फाउंड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, एंड जब उसने स्टडी किया अभी ऐसा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, और या उसके अंदर किस किस तरह के हमारे पास जो क्रिस्टल्स हैं वो उसने स्टडी किए। सो ही ऑब्जर्व देर वर टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के उसको उसमें क्रिस्टल दिखाई दिए। सो जो दो टाइप के उसको क्रिस्टल दिखाई दिए और उसने देखा कि उनकी शेप जो है एक दूसरे से बहुत मैच करती है, और अगर एक क्रिस्टल की शेप इस तरीके से है तो दूसरे क्रिस्टल की शेप जो है वो इस तरीके से है। मीन्स उसको दो टाइप के क्रिस्टल दिखाई दिए, एक इस तरह के एक इस तरीके के, और वी कैन से कि वो दो टाइप के जो क्रिस्टल थे आपस में एक दूसरे के क्या थे, मिरर इमेजेस थे। ठीक है, सो ही ऑब्जर्व द टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स एंड दैट क्रिस्टल्स वर नॉट सुपरिम्पोजेबल ऑन ईच अदर। ठीक है, ऑल्दो उनकी शेप जो थी वो एक जैसी थी, मिरर इमेजेस थे वो, बट एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज नहीं कर रहे थे वो। जस्ट लाइक हम बात करें कि जो लेफ्ट हैंड ग्लव है और राइट हैंड ग्लव है वो एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज नहीं करते हैं। सो पाश्चर ने क्या किया, इन दो टाइप के क्रिस्टल्स को ओरिजिनल सैंपल में से विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ट्वीजर्स उसने इनको सेपरेट किया। ठीक है, इनिशियली सॉल्यूशन जो था इनएक्टिव था, उसने इन दोनों क्रिस्टल्स को विद द हेल्प ऑफ ट्वीजर्स एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास उनको सेपरेट किया। अब दो टाइप के क्रिस्टल के उसके पास क्या बन गया, ढेरी लग गई वहां पे, पाइल अप हो गए। ठीक है, तो उसने क्या किया, अभी अब उनको चेक किया कि इनके सॉल्यूशन को हम चेक करते हैं, तो उन दोनों टाइप के क्रिस्टल्स का उसने सॉल्यूशन बनाया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया। एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद उसकी उसने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की, और उसको क्या वहां पे इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखाई दिए कि जो दो टाइप के क्रिस्टल्स का उसने सोल्यूशन बनाया था, दोनों की जब उसने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की तो एक जो सोल्यूशन था, फर्स्ट जो सोल्यूशन था, उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आ रही है उसमें वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। मीन्स उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी वो प्लस थी, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको रोटेट कर रहा था वो। सो वी कैन से इट इज हैविंग द प्लस एक्स वैल्यू। ठीक है, तो जब उसने दूसरे सोल्यूशन को टेस्ट किया, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की, तो उसने क्या देखा था कि इसमें जो क्रिस्टल्स हैं और इसमें जो सॉल्यूशन है वो लाइट को लेफ्ट साइड पे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। मींस उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन थी वो नेगेटिव थी और उसका जो मैग्नीट्यूड था वो बिल्कुल सेम था जो फर्स्ट टाइप के जो क्रिस्टल्स थे। ठीक है, तो यहां से उसने आइडिया लगाया कि क्या हो रहा है कि जो इसमें एक टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं वो लाइट को किस एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड पे राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, और दूसरे टाइप के क्रिस्टल्स के जो हैं वो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को
उतने ही मैग्नीट्यूड पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन थी वो नेगेटिव थी, फर्स्ट वाले की जो थी पॉजिटिव थी। ठीक है, तो यहां से उसको जो ऑब्जर्व हुआ उसने ये बताया, एक रिजल्ट वहां पे कंक्लूड किया, उसने प्रपोज किया कि द मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूटिंग द टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल वर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर और सच आइसोमर्स हुज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इक्वली बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे वर कॉल्ड एज द एनेंशियोमर्स। ठीक है, उसने इनको एनेंशियोमर्स कह दिया। ठीक है, क्या कहा उसने कि एनेंशियोमर क्या है, दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं बट एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करती हैं। ठीक है, सब कुछ सेम है बट क्या डिफरेंस है उन दोनों में, कि दोनों क्या कर रहे हैं कि प्लेन प्लस लाइट को रोटेट कर रहे हैं, इक्वली रोटेट कर रहे हैं बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स को उसने एनेंशियोमर्स का नाम दिया, उनको एनेंशियोमर्स भी कहते थे उस टाइम पे और एनेंशियो मॉर्फ भी कहते थे, एनेंशियो मॉर्फ भी कहते थे। ठीक है, सो एनेंशियोमर्स कह दो, एनेंशियोमॉर्फ कह दो, दोनों चीजें सेम हैं और जो फिनोमिना है जिसमें दो आइसोमर्स मिरर इमेजेस हैं बट सुपरइम्पोज नहीं करती हैं, इस फिनोमिना को हम एनेंशियोमेरिज्म कह देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मिरर इमेज आइसोमर्स जो है, जैसे मैंने बताया, दे डिफर ओनली इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, तो एनेंशियोमर्स वी कैन से दे रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप में रखते हैं, इसलिए क्लियर। तो इसको फर्दर एक्सप्लेन किया वांटोक ने ऑन द बेसिस ऑफ टेट्राहेड्रल कंसेप्ट ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि सपोज हमारे पास जैसे टेट्राहेड्रल कार्बन में क्या होता है कि कार्बन की चार जो पोजिशन है उनमें से दो पोजीशन जो होती हैं वो प्लेन में होती हैं, एक जो एटम होता है वो पीछे की तरफ होता है, दूसरा जो बाकी जो रह गया वो फ्रंट साइड पे होता है। ठीक है, तो अगर इन चारों पोजीशन पे चार डिफरेंट टाइप के अगर हम कंपाउंड एटम या कोई कंपाउंड रख दें या फिर ग्रुप्स रख दें और उनकी जो मिरर इमेज बनेगी, उनकी जो मिरर इमेज का जो कंपाउंड होगा वो किस तरीके से होगा कि वहां पे इस तरीके की हमारी स्ट्रक्चर होगी जो उसकी मिरर इमेज होगी। ठीक है, और अगर हम इनको रोटेट करके सुपरइम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो वो किसी भी हालत में सुपरइम्पोज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां से बात निकल के आई कि ऐसा क्या है इस मॉलिक्यूल में या इस मॉलिक्यूल में कि ये एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करते हैं। तो वहां पे स्टडी किया गया कि अगर हमने एक स्ट्रक्चर ऐसी ले ली तो ये इसके ऊपर सुपरइम्पोज नहीं कर रही है, अगर हम क्या करें कि कुछ ऐसा मॉलिक्यूल ले लें, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है क्लोरो लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है हमारे पास ब्रोमो लगा हुआ है। ठीक है, और बाकी दो क्या है हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, इसकी अगर हम मिरर इमेज लेते हैं तो हमें क्या दिखता है कि जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो इस तरीके की होगी और उसको हम अगर थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो वो क्या कर जाता है सुपरइम्पोज कर जाता है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो इसको हम प्लेन में लेके आते हैं तो ये ब्रोमीन जो है इस साइड पे आ जाएगी और ये हाइड्रोजन जो है पीछे चली जाएगी, तो उस रोटेटेड स्ट्रक्चर को अगर हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर के ऊपर रखते हैं तो वो सुपरइम्पोज कर जाती है। ठीक है, तो यहां से ये निकल के आया कि ऐसा कार्बन जिसके पास चार डिफरेंट कोई एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे होते हैं वो जो स्ट्रक्चर होती है उसके जैसी अगर कोई और स्ट्रक्चर मिल जाए जो उसकी मिरर इमेजेस हो वो उसके ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करेगी। अगर ये स्ट्रक्चर जो है लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को तो उसकी जो मिरर इमेजेस जो स्ट्रक्चर होगी वो लाइट को उतने ही मैग्नीट्यूड पे लेफ्ट एंड साइड पे क्या करेगी रोटेट करेगी। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर क्या होगी वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी वो लिवोरोटेटरी हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फर्क है, देखो यहां पे चार डिफरेंट एटम्स हैं, इसमें क्या है हमारे पास दो तो एटम्स डिफरेंट हैं यहां पे और दो एटम जो है सेम है, इन दोनों सेम एटम की वजह से ये सुपरइम्पोज कर जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक कंडीशन निकल के आई जो फंडामेंटल कंडीशन बन जाती है कि एनेंशियोमर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, हमेशा उनकी जो स्ट्रक्चर होगी जो मिरर इमेजेस होंगी वो नॉन सुपरइम्पोज होंगी और उनके अंदर क्या होगी देयर विल बी ए कायरल कार्बन होगा। ठीक है, द नॉन सुपरपोजिबिलिटी ऑफ द मिरर इमेजेस अराइजेस ड्यू टू द कायरल नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब कायरल नेचर क्यों हुई, क्योंकि उसके अंदर एटलीस्ट एक कायरल कार्बन डेफिनेटली होगा ही होगा। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है, फंडामेंटल कंडीशन बन जाती है
कि अगर किसी भी कंपाउंड में एटलीस्ट एक भी कार्बन ऐसा हुआ जो कायरल कार्बन हुआ, मींस उसके पास चार डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे होंगे, तो वो पूरे मॉलिक्यूल को क्या बना देगा, कायरल बना देगा, और उसकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपरइम्पोजेबल होगी। ठीक है, और यू कैन से कि उसके जैसी अगर उस मॉलिक्यूल की कोई और स्ट्रक्चर बन सकती है, अगर वो स्ट्रक्चर पहले वाली स्ट्रक्चर के मिरर इमेज जैसी हुई, ठीक है, तो वो उसके ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करेगी, किसी भी हालत में सुपरइम्पोज नहीं करेगी। मींस अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसकी अगर सपोज एक्स नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बन सकती है, बन जाती है, तो वो एक्स नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो है उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करेगी। ठीक है, सो कायरलिटी इज द मोस्ट इन द मोस्ट ऑफ द एनेंशियोमेरिक मॉलिक्यूल इज इटसेल्फ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि जो कायरलिटी है मोस्ट ऑफ द एनेंशियोमेरिक मॉलिक्यूल में वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। जैसे हमने लैक्टिक एसिड की एग्जांपल ली थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है, और हमने 2-methyl-1-butanol की एग्जांपल ली थी, तो वो दोनों क्या है हमारे पास, एनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, वो आपस में एनेंशियोमेरिक स्ट्रक्चर रखते हैं, उनकी जो मिरर इमेजेस होंगी वो वहां पे सुपरइम्पोज नहीं करती है। एक चीज हमने और भी देखी है कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि एक मॉलिक्यूल था जिसको हम 2,3-pentadiene कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या था, कार्बन के साथ हमारे पास दो डबल बॉन्ड थी, सेकंड पोजीशन पे भी और थर्ड पोजीशन पे भी, यहाँ पे भी कोई हमारे पास ग्रुप था, यहाँ पे भी कोई ग्रुप था। ठीक है, तो ये 2,3-pentadiene स्ट्रक्चर जो है, इसमें ये जो मॉलिक्यूल, ये जो कार्बन है इसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, फिर भी इसके अंदर क्या आती है, कायरलिटी आती है। इसी तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर और डिस्कस की थी जिसमें हमने जो है सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनल स्टडी की थी, उसके अंदर भी विदाउट हैविंग एनी कायरल कार्बन फिर भी उसके अंदर कायरलिटी आ रही थी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमने बात करनी है एनेंशियोमर्स की, तो हमें वहां पे नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस की बात करनी है रादर देन कि हम कायरलिटी की बात करें, क्योंकि कायरलिटी इज इटसेल्फ इज ए नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज की बात करते हैं। ठीक है, तो हम वहां पे बात क्या करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम एनेंशियोमर बोलेंगे, वो एनेंशियोमर क्या होगा कि उसके अंदर कायरलिटी हो या फिर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो उसकी। ठीक है, सो इट इज द फंडामेंटल एंड द ओनली कंडीशन फॉर द एनेंशियोमरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है एनेंशियोमर्स की, भी अगर हम बात करें इनके अंदर क्या ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो बाकियों से डिफरेंट होते हैं। तो सबसे जो पहली इसकी करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जितने भी हमारे पास एनेंशियोमर्स हैं, ठीक है, मींस वो आइसोमर्स जो मिरर इमेजेस हैं बट सुपरइम्पोजेबल नहीं करते हैं, सो दे हैव द आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, सो दे हैव द आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती हैं, जितने भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटीज हैं, सॉल्युबिलिटी है, ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये सेम होती है, सॉल्युबिलिटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, उनकी सेम रहती है। बट एक प्रॉपर्टी जो डिफरेंट है उनके अंदर वो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, इवन दो उनका मैग्नीट्यूड जो है स्पेसिफिक रोटेशन का वो सेम है, बट जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो सेकंड जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है उनकी वो ये है कि दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक्सेप्ट एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें वो डिफर करते हैं, वो ये है कि अगर हम एनेंशियोमर्स को सेपरेटली क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं किसी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, तो वो जो रिएक्शन है दोनों आइसोमर्स की, दोनों एनेंशियोमर्स की, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ जो केमिकल रिएक्शन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे लैक्टिक एसिड है, अब लैक्टिक एसिड की हमारे पास पता है कि ये दो एनेंशियोमर्स होते हैं, इसके एक प्लस लैक्टिक एसिड होता है
ठीक है, एक होता है हमारे पास माइनस लैक्टिक एसिड, वन इज दी प्लस लैक्टिक एसिड एंड अदर इज दी माइनस लैक्टिक एसिड, ठीक है। सो इनकी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, दोनों की जो नेचर है वो सेम है, मीन्स दोनों की जो स्पीड है, जो दोनों का जो रेट है वो सेम है। बट अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ, अगर हम स्केंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं स्केंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ, अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, तो ये रिएक्शन क्या देती है हमें, एक एस्टर फॉर्मेशन करती है, मींस दिस इज ए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड एंड द माइनस लैक्टिक एसिड, ठीक है। सो दिस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड्स प्लस लैक्टिक एसिड एंड द माइनस लैक्टिक एसिड विद द स्केंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल व्हिच इटसेल्फ इज ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इनमें दोनों का जो रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट एक्सटेंट से रिएक्ट करते हैं, कोई फास्ट रिएक्ट करता है, कोई स्लो रिएक्ट करता है। सो दिस इज द डिफरेंस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड हमारे पास जो है कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल भी और केमिकल भी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की, सो दे हैव द डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव द डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। किस तरीके से, वो ये है कि जैसे शुगर है हमारे पास, शुगर के भी दो एनेंशियोमर एग्जिस्ट करते हैं, एक माइनस शुगर होता है, एक होता है प्लस शुगर, ठीक है। अब इन दोनों में से जो प्लस शुगर है, दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए जो हमें शुगर चाहिए वो प्लस वाला चाहिए, मीन्स डेक्सट्रोटेटेड शुगर चाहिए, वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। बट जो लिवोटेटरी शुगर है ये मेटाबोलाइज होता ही नहीं है हमारी बॉडी में, बिल्कुल भी मेटाबोलाइज नहीं होता, ठीक है। इसलिए इनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हुई वो डिफरेंट होगी, मीन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि बॉडी में रिएक्शंस एनिमल्स में, प्लांट्स में जो जो एनेंशियोमर्स हैं वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। अब प्लस शुगर तो मेटाबोलिज्म में हेल्प करता है, यूज होता है, और जो लिवोटेटरी है वो बिल्कुल भी यूज नहीं होता, एज सच हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं टार्टरिक एसिड की, तो टार्टरिक एसिड प्लस टार्टरिक एसिड जो है दैट इज रेडली कंज्यूम्ड बाय द मोल्ड्स, मोल्ड्स जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं प्लस टार्टरिक एसिड को। कौन सी मोल्ड्स यूज करती हैं, पेंसिलियम जो मोल्ड होती है जहां से पेंसिलिन बनती है, पेंसिलियम जो मोल्ड है, पेंसिलियम ग्लाउकम, ठीक है, उनमें ये बहुत ज्यादा कंज्यूम्ड होते हैं। बट जो माइनस टार्टरिक एसिड है, मीन जो लिवोरेटरी टार्टरिक एसिड है, दैट इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द मोल्ड्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट है हमारे पास, डिफरेंस है इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसके बाद इसकी एक और करेक्टरिस्टिक ये है कि अगर हम एनेंशियोमर्स को, जो दो डिफरेंट एनेंशियोमर्स हैं जो आपस में मिरर इमेजेस हैं बट सुपरइम्पोज नहीं करते हैं, अगर उनकी हम इक्वल क्वांटिटी को मिक्स कर दें, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी को मिक्स कर दें, मींस उनकी जो मोलर रेशियो है वो सेम कर दें, मींस अगर सपोज कर लो हमने वन मोल जो है प्लस वाला ले लिया और वन मोल जो है माइनस वाला ले लिया हमने, ठीक है, कोई भी एनेंशियोमर्स, तो उनको जब मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा वो क्या रहेगा, दैट वुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जो प्लस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को राइट साइड पे रोटेट कर रहे हैं, जिस भी रोटेशन पे, एंगल रोटेशन पे, उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे हमारे पास, वो लेफ्ट वाले होंगे, क्योंकि वन मोल ऑफ ईच सब्सटेंस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम पता है कि वन मोल किसी भी सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने वन मोल ले लिया टार्टरिक एसिड का, प्लस टार्टरिक एसिड, वन मोल ले लिया हमने माइनस टार्टरिक एसिड, तो दोनों में एवोगाड्रो का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को रोटेट कर रहे हैं राइट साइड पे, और जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ जो माइनस टार्टरिक एसिड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को रोटेट कर रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, सेम एंगल ऑफ रोटेशन है दोनों में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कैंसल आउट हो जाएगी, तो और जो हमारा लाइट है जो ऐसा जैसे वो प्लेन पोलराइज लाइट जा रही थी उसी ही एंगल पे वो वापस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो मींस हमारा जो सॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन, और वो जो मिक्सचर वहां पे बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर उसको हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल देम रेसमिक मिक्सचर,
क्या कहते हैं हम उनको, रेसिमी मिक्सचर, या सिंपल टर्म में हम इसको हम रेसिमेट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रेसिमेट। ठीक है, सो व्हाट आर द रेसिमी मिक्सचर और रेसिमेट? दीज आर द मिक्सचर ऑफ द एनेंशियोमर्स विच आर प्रेजेंट इन इक्वल क्वांटिटी, और इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर इज नोन एज द रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब बात आती है कि एनेंशियोमरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या रिलेशन है, हमने वो डिस्कस करना है। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ लिया कि फंडामेंटल जो कंडीशन है एनेंशियोमरिज्म की वो क्या है, कि कायरल नेचर होनी चाहिए मॉलिक्यूल की। ठीक है, और फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द एनेंशियोमर ऑफ ए गिवन सब्सटेंस इज द देयर डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, देयर प्रॉपर्टी इन द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। अब चलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं, कुछ एक हम फिनोमिना को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सपोज हमारे पास एक कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, एक सिंगल हमारे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल है किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव एनेंशियोमर का। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का हमारे पास क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल ले लिया हमने। ठीक है, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमने देखा क्या, कि इसकी वजह से कुछ एक लाइट में क्या आ रही है, चेंज आ रही है रोटेशन में, वहां पे कोई रोटेशन आ रही है। ठीक है, सो वी कैन से द सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ नियरली एवरी सब्सटेंस कैन कॉज सम रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। कब? जब उसके अंदर से एक बीम ऑफ लाइट जो है पास होगी, तो वो उसकी लाइट की जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसकी डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज जरूर करेगा, हर एक मॉलिक्यूल चेंज करेगा। ठीक है, एंड द डायरेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ रोटेशन कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन इट्स ओरिएंटेशन, कि वो जब लाइट उसमें से पास कर रही थी तो उसकी अपनी रोटेशन किस तरीके से थी, क्या वो इस तरीके से पड़ा था, या वो इस तरीके से पड़ा था, या वो इस तरीके से पड़ा था, इस तरीके से पड़ा था, कि किस डायरेक्शन में वो, किस तरह से उसकी ओरिएंटेशन थी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वहां से जाएगी तो वो लाइट जब इसमें से पास होगी तो किस डायरेक्शन में रोटेट होगी। ठीक है, ये तो बात आ गई सिंगल मॉलिक्यूल की। अब हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी डायरेक्शन होती है, अपनी अपनी ओरिएंटेशन होती है, और वो अपने अपने तरीके से क्या करता है, लाइट को रोटेट करता है। अब एक मॉलिक्यूल को स्टडी कर पाना प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं होता। हम क्या लेते हैं, अगर हम एक छोटा सा सैंपल भी ले लेते हैं, सपोज हमने 1 मिलीग्राम सैंपल ले लिया, तो उस 1 मिलीग्राम सैंपल में भी हमारे पास क्या होंगे, देयर विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, वी विल हैव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो मीन्स वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, और उसमें सपोज जैसे अब ये मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन इस तरीके से है, इसमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल भी होगा जिसकी डायरेक्शन जो कि इस तरीके से होगी। ठीक है, कोई ऐसा भी होगा जिसकी रोटेशन डायरेक्शन जो कि इस तरीके से होगी, कि कोई किसी की ऐसी तरह होगी। मींस जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, तो वो मिरर इमेजेस जो मॉलिक्यूल होंगे, अगर ये लेफ्ट को रोटेट कर रहा है तो ये राइट को रोटेट कर रहा है, तो वहां पे वो कैंसिल होते जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, वहां पे वो कैंसिल होते जाएंगे तो वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी। बट अगर हम बात करते हैं जो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी जो मिरर इमेजेस होती हैं वो जो है डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं अभी हम रोटेट करती हैं। अगर हमने एक सैंपल ले लिया जो कि एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबकी डायरेक्शन जो होगी, सबकी जो ओरिएंटेशन होगी वो सेम साइड पे होगी। क्यों? क्योंकि जब इसमें से लाइट पास हो रही है तो वहां पे लाइट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, पहले लाइट इस तरीके से वाइब्रेट करके जा रही थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, अब वो राइट को रोटेट होगी, किसी ना किसी एंगल पे क्या है, वो राइट को रोटेट होगी। ठीक है, तो मींस वी कैन से दैट कि जो एनेंशियोमर्स हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। अगर हम सिंपल सभी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सभी मॉलिक्यूल के अगर हम सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो उनमें रोटेशन होती है, बट क्योंकि दूसरे जो उसके मिरर इमेजेस मॉलिक्यूल उसके अंदर पड़े होते हैं वो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। बट एनेंशियोमर में ऐसा नहीं होता। एनेंशियोमर्स में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की जो ओरिएंटेशन है वो सेम होती है, और वो सभी ही जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सेम डायरेक्शन में, सेम एंगल पे रोटेट करते हैं। अगर सेम इतने सारे मॉलिक्यूल्स वहां पे पड़े होंगे जो लाइट को सेम मैग्नीट्यूड पे, सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी डेफिनेटली आएगी आएगी, वहां पे जो लाइट है वो डेफिनेटली रोटेट होगी ही होगी। ठीक है, सो इसलिए, और ये मॉलिक्यूल ना तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स वहां पे क्या हो रहा है कि वो एड ऑन कर रहे हैं, जो उनकी रोटेशन है वो एक दूसरे में एड ऑन हो रही है, पहले कैंसिल आउट हो रही थी वो यहां पे वो एड ऑन हो रही है। सो
तो वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी वहां पे शो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज दी ऑल अबाउट द एनेंशियोमेरिज्म, और वी कैन से के जो कायरलिटी है, नॉन सुपरपोजिबिलिटी है जो मिरर इमेजेस की, दैट इज द फंडामेंटल एंड द सफिशियंट कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। एनेंशियोमर्स आर द मॉलिक्यूल्स और द आइसोमर्स विच हैव द नॉन सुपरपोजिबल मिरर इमेजेस, और वो कब होगा, जब उनके अंदर क्या होगा, एटलीस्ट एक कार्बन जो होगा वो कायरल कार्बन होगा। उस कायरल कार्बन की वजह से उस मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगी, कायरलिटी आ जाएगी। कायरलिटी क्या होती है, नॉन सुपरपोजिबिलिटी ऑफ द मिरर इमेजेस, ठीक है। सो दिस इज द ओनली एंड द सफिशिएंट और द फंडामेंटल कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड फॉर द एनेंशियोमेरिज्म एज वेल, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टीरियोवर्स।